भोपाल में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर भोपाल कलेक्टर ने इंडस्ट्री की जगह मेडिकल में ऑक्सीजन की सप्लाई को प्रमुखता देने की बात कही है। वहीं ऑक्सीजन की कमी न हो इसके लिए ऑक्सीजन प्लांट को लगातार चालू रखने की बात कही गई है। इंडस्ट्री को ऑक्सीजन सप्लाई रोकने को लेकर भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए सबसे पहले मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। इस समय ऑक्सीजन सप्लाई की सबसे ज्यादा जरूरत मेडिकल को है। उन्होंने ऑक्सीजन सप्लायर से कहा है कि पहले मेडिकल इमरजेंसी की जरूरतों को पूरा करें, मेडिकल की जरूरतों के बाद अगर संभव हो तो इंडस्ट्री को ऑक्सीजन दी जाए। लोगों की जान बचाना पहली प्राथमिकता है। गुजरात से ऑक्सीजन सप्लाई रोकने को लेकर उन्होंने कहा, सप्लाई कहीं से नहीं रोकी गई है। इस समय मरीज बढ़ने से ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा बढ़ गई है। उन्होंने कहा, जरूरत को देखते हुए 24 घंटे ऑक्सीजन के प्लांट चलाए जाएंगे। हमने भी अपने लोगों को प्लांट पर तैनात किया है ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई पहले मेडिकल जरूरतों को लेकर हो सके, उसके बाद अगर ऑक्सीजन बचती है उसको इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाए। क्योंकि जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो यूटिलाइजेशन है वो मेडिकल ऑक्सीजन का है। तो रोकने की बजाय सभी सप्लायर्स को ये कहा गया है कि सबसे पहले जितनी भी मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड है वो पूरी की जाए, उसके बाद यदि ऑक्सीजन शेष रहती है तो ही इंडस्ट्रीज को दी जाए। स्वाभाविक है, लोगों की जान बचाना ज़रूरी है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।